भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आजादी के बाद से जिस मजबूती के साथ हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है वो आज पूरी दुनिया के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। देश 1947 में आजाद हुआ लेकिन देश में पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव साल 1951-52 में कराए गए। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा और देश ने लोकसभा के 17 पड़ाव सफलतापूर्वक पूरे किए। अब 18वें की बारी है जिसे लेकर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार 7 चरणों में वोटिंग होनी है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की जनता से अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, छुट्टी पर ना जाएं, बल्कि लोकतंत्र का महापर्व मनाएं। कमिंग टू द जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट, 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ विच 84 आर रिजर्व फॉर एससीज एंड 47 आर रिजर्व फॉर एसटीज। तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग, छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। 2024 के आम चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दावा है कि इस बार 97 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में एक वक्त ऐसा भी था जब सबको वोट करने का अधिकार तक नहीं था। आज वक्त और तकनीक सब कुछ बदल चुका है। आज 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति अपनी मर्जी से वोट कर सकता है, उसे पूरी आजादी है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1988 में राजीव गांधी सरकार ने संसद के संविधान में 61वां संशोधन किया और इसके जरिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए मिनिमम एज 21 से घटाकर 18 साल की गई। मगर आप जानकर हैरान होंगे कि भारत में आजादी के पहले तो 21 साल वालों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। सभी वयस्कों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर आजादी के पहले भी एक लंबी बहस हो चुकी है। इसके विरोध में दलीलें ये दी जाती थीं कि वयस्क मताधिकार शुरू करने से वोटरों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वोटिंग का इंतजाम कर पाना मुश्किल हो जाएगा। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि अगर वोटर साक्षर नहीं होगा तो वो अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इससे चुनावी व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। गुलाम भारत में वोटिंग को लेकर कांग्रेस नेता और अंग्रेजी हुकूमत के बीच विचारों की एक लंबी लड़ाई चली, जिसके चलते अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रांतीय चुनाव तो कराए लेकिन उसमें सभी लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं दिया। साक्षरता, जाति, जमीन जायदाद और टैक्स पेमेंट जैसी बंदिशें लगाकर देश के बड़े वर्ग को मताधिकार से वंचित कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि मुश्किल से 14 लोगों को ही उस वक्त वोट का अधिकार दिया गया था और जहां राज्य रजवाड़ों की रियासतें थीं वहां का हाल तो और भी बुरा था। इतिहासकार बताते हैं कि साल 1928 में देश के संविधान की बुनियादी बातें तय करने के लिए नेहरू की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसने वयस्क मताधिकार को सही माना था। इस कमेटी से पहले गोलमेज सम्मेलन में इस बारे में जो उप समिति बनी उसका भी मानना था कि वयस्कों को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा इंडियन फ्रेंचाइजी नाम की एक कमेटी ने साल 1932 में एक रिपोर्ट दी और कहा कि वयस्क मताधिकार का फैसला राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। इसी जद्दोजहद में लंबा वक्त गुजरा और 1947 गुलामी की जंजीरें तोड़कर 1947 में आजाद भारत ने खुली हवा में सांस ली। देश के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और उन्होंने फिर से इसी मुद्दे को बुलंद तरीके से उठाया। संविधान सभा की फंडामेंटल राइट सब कमेटी और माइनॉरिटी सब कमेटी ने मांग की कि वयस्क मताधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इनसे जुड़ी एक एडवाइजरी कमेटी ने इस सलाह को ठीक तो माना लेकिन सुझाव दिया कि मौलिक अधिकार बनाने की जगह वयस्क मताधिकार की बात को संविधान में दर्ज किया जाए। लिहाजा संविधान के आर्टिकल 326 में यह प्रावधान किया गया कि संसद और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होंगे। इस तरह साल 51-52 यानी 1951-52 में हुए देश के पहले लोकसभा चुनाव से आजाद भारत में वयस्क मताधिकार लागू हो गया और 21 साल के ऊपर का हर शख्स बिना किसी भेदभाव अपनी मर्जी से वोट डालने के लिए स्वतंत्र हो गया, उसे ये अधिकार मिला। लेकिन राजीव गांधी सरकार के संशोधन के बाद से वोट करने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल हुई और अब देश का हर नागरिक अपनी ताकत, अपने वोट का इस्तेमाल करना अच्छे से जानता है। नमस्कार।